नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। सनातन धर्म की महान रचनाओं में से एक रामचरितमानस, जिसके सुंदर कांड का एक दोहा जो कि स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, उस दोहे को लेकर कुछ अधर्मी लोग समाज को विघटित करने के लिए, समाज में भेदभाव बढ़ाने के लिए उसका गलत सलत मतलब निकालकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दोहे में क्यों लिखा और किस भाव से लिखा, ये आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस दोहे का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये लिखा। और आप सब जानते हैं कि तुलसीदास गोस्वामी जी पर भगवान राम की विशेष कृपा थी, जिसके सर पर भगवान राम का आशीर्वाद हो, जिसे साक्षात भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए हों, उनकी कलम से कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य निकल ही नहीं सकता जिससे धर्म का नाश हो। इस दोहे का सही अर्थ ना समझते हुए कुछ अनजान और बुद्धिहीन लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से समाज के सामने पेश किया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। देखिए, अगर आप हिंदी व्याकरण समझते हैं या संस्कृत व्याकरण समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें एक यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं जब वो एक ही वाक्य में आता है, तो वैसा ही तुलसीदास जी ने यहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ पर तारणा एक शब्द है, तारणा का आम भाषा में हम मारना पीटना समझते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी जो कि इतने महान विद्वान थे, उन्होंने इस शब्द का अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया। कैसे, आज इस वीडियो में समझिए। जैसे एक दोहा है, कनक कनक ते सौ गुनी मादक ताधिकाय, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। अर्थात इस दोहे में कनक शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है। एक बार कनक का मतलब है सोना और एक बार कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं और ज्यादा सोना पाने से भी लोग पागल हो जाते हैं, यही इस दोहे में दर्शाया गया है। तो इसी तरह से तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये दोहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, इन सभी को तारणा क्यों आवश्यक है ये समझिए। बारी बारी से एक एक करके समझाता हूं आपको। सो ढोल को तारणा अर्थात ढोल को पीटना, ढोल के संदर्भ में तारणा का अर्थ यहां प्रयोग हुआ है पीटने के लिए। जब तक आप किसी ढोल को शास्त्रीय लय के अनुसार उसको नहीं थपथपाते हैं, नहीं पीटते हैं, उसमें से संगीत, मधुर संगीत नहीं निकलता है। तो ढोल के संदर्भ में तारणा का अर्थ पीटना है शास्त्रीय लय के अनुसार। अगर आप सिर्फ ढोल से ये कहें कि ढोल आप संगीत बजाओ, तो ढोल संगीत नहीं बजाएगा, क्योंकि ढोल को पीटना पड़ता है, थापना पड़ता है। तो यहां तारणा शब्द पीटने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कंवार, कंवार का अर्थ होता है विवेकहीन पुरुष, जिसमें कम बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को जब कोई काम सौंपा जाता है तो उस पर नजर रखना अति आवश्यक है, और ताकि वो कोई काम बिगाड़ ना दे, और अगर वो काम बिगाड़ दे तो आप उस काम को संभाल सकें। तो इसीलिए यहाँ गंवार के संदर्भ में तारणा का अर्थ है उस व्यक्ति पर नजर रखना, ऐसे विवेकहीन व्यक्ति पर नजर रखना जो कि बुद्धि से थोड़ा कम है, ताकि वो किसी काम को खराब ना कर दे। इसीलिए तुलसीदास जी का ये कहना कि गंवार भी तारणा के अधिकारी हैं, तो इसका मतलब उन पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। शूद्र, इस शब्द को लेकर तारणा का संदर्भ को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया। देखिए, दोस्तों, शूद्र का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, जो शास्त्रों में बताए गए विधान हैं, जो कर्म हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई जाता है, वो काम करता है, तो वो शूद्र कहलाता है। और शूद्र का एक और अर्थ है, वह समाज का सेवक। जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है उसे भी शूद्र कहा जाता है। हर व्यक्ति जो कि नौकरी कर रहा है आज के समय में, वो शूद्र की श्रेणी में ही आता है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। हजारों साल पहले ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, जिसको बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जन्म आधारित हो गई। तो दोस्तों, शूद्र के संदर्भ में तारणा का अर्थ है शास्त्र सम्मत कार्य करना, न कि उसको पीटना। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं। शूद्र को तारणा का मतलब है शूद्र को ऐसे निर्देश देना या ऐसे प्रोत्साहित करना ताकि वो शास्त्र सम्मत कार्य कर सके।
शूद्र को ताड़ना का मतलब किसी को पीटना या किसी को मारना, किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ ताड़ना का अर्थ है ऐसे व्यक्ति को सलाह देना, समझाना, उसको निर्देश देना ताकि वो शास्त्र सम्मत कार्य कर सके। दोस्तों, पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ समझिए। जब पशु मनुष्य के साथ रहता है तो वो धीरे धीरे मनुष्य की भाषा समझने लगता है, वो मनुष्य के इशारे समझने लगता है। तो जब हम किसी पशु से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम उसे हल्का सा बोलकर, कोई शब्द बोलकर, लेके हट हट, रुक रुक रुक, आ आ आ, ऐसे करके हम कुछ भी बोलते हैं तो वो पशु हमारी भाषा समझता है, हमारे इशारे समझता है। तो यहाँ पशु को ताड़ना का मतलब है पशु को बोल कर, पुचकार कर उससे काम करवाना। जब एक घुड़सवार घोड़े पर चलता है तो वो अपनी बेंत को दाहिनी तरफ या बाईं तरफ अगर हल्का सा खींचता है तो घोड़े को पता चल जाता है कि इधर जाना है या इधर जाना है। तो यही ताड़ना का अर्थ है यहाँ इस केस में, पशु के केस में, कि पशु ताड़ना के अधिकारी हैं, उनको इशारों से बोलकर समझाना चाहिए और वो समझते भी हैं। और अगर नहीं समझते तो हल्का सा एक छड़ी या डंडी तो होती ही है समझाने के लिए। और दोस्तों, नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ बहुत ही गलत तरीके से बताया गया और इसे सनातन धर्म को नारी विरुद्ध साबित करने की पूरी कोशिश कुछ लोगों ने की समाज में। इसमें वामपंथी इतिहासकार और लेखक ज़्यादा हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो समाज की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाकर और समाज में भेदभाव बढ़ाकर अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने इस शब्द के प्रति यहाँ ताड़ना का बहुत ही गलत प्रयोग दिखाया और समझाया लोगों को। तो समझिए नारी के संदर्भ में ताड़ना का असली मर्थ मतलब क्या है। दोस्तों, यहाँ स्त्री और नारी को ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि उसे पीटना या उसे उस पर अत्याचार करना, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में नारी और पुरुष दोनों को समान माना गया है। और याद कीजिए भगवान शंकर का वो रूप जहाँ वो अर्ध नारीश्वर रूप में है, जहाँ वो आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष हैं। तो जब भगवान दोनों को बराबर शक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा धर्म कैसे कह सकता है कि हम नारी को प्रताड़ित करें? ये बहुत ही गलत मतलब बताया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में जब विवाह होता है तो पुरुष नारी को ये वचन देता है उसकी सुरक्षा करने का, और इसी सुरक्षा के संदर्भ में तुलसीदास जी ने यहाँ ताड़ना का प्रयोग किया नारी के संदर्भ में। और उन्होंने लिखा कि नारी एक बहुमूल्य रत्न है हमारे जीवन का, जो जीवन का आधार भी है, उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो अगर क्योंकि वो एक रत्न है, बहुमूल्य है जीवन में, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आसपास समाज में जिनकी कुदृष्टि उस पर पड़ सकती है और वो उसको अपवित्र कर सकते हैं या कुछ गलत कर सकते हैं उसके साथ, तो इसलिए नारी पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, इस ताड़ना का मतलब यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों, नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ पीटना और मारना नहीं है, बल्कि उसका ध्यान रखना, उस पर नज़र रखना है ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो देखा दोस्तों, तुलसीदास जी ने कितने अच्छे भावों के साथ इस दोहे को लिखा था। रामचरितमानस के सुंदर कांड में ये दोहा है, और इतनी अद्भुत रचना में जिसमें भगवान राम का आशीर्वाद उनके सर पर था, वो उनकी कलम से कोई भी ऐसा शब्द निकल ही नहीं सकता जिसका गलत मतलब हो। तो इसीलिए कुछ मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग जो नहीं समझते हैं साहित्य को, अर्थ को, व्याकरण को, वो इस दोहे का गलत मतलब निकालते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि ताड़ना शब्द का अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग मतलब इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया। तो दोस्तों, अगर कोई आपको इस दोहे के प्रति भ्रमित करने की कोशिश करे, सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश करें, तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए उसको प्रतिउत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब पर ताड़ना का अलग अलग मतलब निकलता है। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी से भरपूर लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बांटिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला जरूर देखें, जिसमें आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व जो सच में हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।